विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। स्वागत है आपका। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना मना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्र के दर्शन करने से मिथ्या दोष यानी कि मिथ्या कलंक लगता है, जिसकी वजह से दर्शन करने वालों को चोरी का झूठा आरोप सहना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण पर सम्यंतक नाम की मड़ी चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देख के नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा है। नारद ऋषि ने भगवान कृष्ण को आगे बतलाते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्र देव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन करेगा वो मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से तो ये तो आपको हमने बता दिया कि क्यों चंद्र दर्शन करना मना होता है। लेकिन अगर आप भूल से चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे मिथ्या दोष से निवारण करें। वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से और सुंदर ये सृष्टि होती चतुर्थी तिथि के शुरू और अंत समय के आधार पर चंद्र दर्शन लगातार 2 दिनों के लिए मना होता है। धर्म सिंधु के नियमों के अनुसार संपूर्ण चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र दर्शन निषेध होता है और इसी नियम के अनुसार चतुर्थी तिथि के चंद्रास्त के पूर्व समाप्त होने के बाद भी चतुर्थी तिथि में उदय हुआ चंद्रमा के दर्शन चंद्रास्त तक वर्ज्य होते हैं। अगर भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह प्रसेन मवधित सह जानवंत हताह सुकुमारक मारोदित हशे सन्मयत कहा। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से और सुंदर ये सृष्टि होती
सच्चे मन और शुद्ध भाव से गणपति की पूजा करने से बुद्धि, स्वास्थ्य और संपत्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे करनी चाहिए गणेश जी की पूजा अर्चना और कैसे गणेश जी को खुश करें, जिससे भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर कर दें। नुर्वी पूर्वी प्रेम रूपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी सड़के मार मुक्ता फराची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणपति की प्रतिमा को घर लाकर हम पूजा की शुरुआत करते हैं। आज के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को घर लाना सबसे पवित्र समझा जाता है। जब आप बप्पा की मूर्ति को घर लाएं, उससे पहले इन चीजों को तैयार रखें। गणपति मूर्ति की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक आरती की थाली में अगरबत्ती धूप को जलाएं। इस दौरान मंत्र ओम गणपतये नमः का जाप करें। अगर आप गणेश जी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और अब लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गणपति बप्पा के कुछ गानों के साथ। फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है।
तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्न खचित पारा दुज गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभा तो बारा ऋण सुनती नूपुरे घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव